अब तक आपने देखा करजत में सिद्धि के कॉटेज में आग लग जाने के हादसे के बाद सिद्धि एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ विनायक की जिंदगी में वापस आती है उससे बदला लेने। रिद्धि विनायक की पर्सनल असिस्टेंट बनकर उस पर जानलेवा हमले करना शुरू कर देती है। विनायक पर कड़ी नजर रखने के लिए रिद्धि उसके कमरे में सीसीटीवी भी लगा देती है, पर विन के कमरे में अपनी तस्वीरें देखकर वो चौंक जाती है। रिद्धि के समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस विनायक ने उसे मारने की कोशिश की थी वो उसका श्राद्ध क्यों कर रहा है। एक दिन शूट के दौरान विन और सिद्धि प्रॉपर्टी रूम में फंस जाते हैं और बड़ी मुश्किल से आखिर वहाँ से निकलते हैं। मुझे वॉशरूम जाना है। वहाँ झाड़ियों में चली जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज वहाँ चलिए ना मेरे साथ झाड़ियों के पीछे। अब आगे आगे बताना मिसिना, एक सेकंड, यहाँ बताना, एक सेकंड, रुकिए, बताइए क्या आफत आ गई? मैंने वहाँ पर कुछ देखा। कहाँ? वो वहाँ पर। अरे भागो शेरा, शेर! नहीं है। एक मिनट, आपकी लोटापटी हुई या नहीं? जी नहीं। अब हम चले? आपका ना कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, नहीं कहीं आ रहा था, नहीं सुसुक कर रहा था। Enough, sir. मैं वहां पर डर गई थी, लेकिन आपको क्या हो गया था? आप क्यों इतने जोर से चिल्लाए? मिस सिन्हा, क्या है ना कि आपकी देखा देखी मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए, और मैं अपना कार्यक्रम शुरू ही करने वाला था कि सर, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? ओ मैडम, मैंने छोड़ा था ना उस जानवर को झाड़ियों के पीछे आपको डराने के लिए, और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, समझे आप? अब क्या हुआ? मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया शायद। तो पहले भरा लेना चाहिए था ना। मिस सिन्हा, मुझे सपना नहीं आया था कि फ्यूल खत्म हो जाएगा। सपना नहीं, हकीकत। जब हम 2 घंटे से यहाँ पर चक्कर पे चक्कर काट रहे तो फ्यूल तो खत्म होगा ही। मैंने कहा था जीपीएस यूज करने के लिए, लेकिन नहीं, अब तक अगर हम जीपीएस यूज कर लेते तो हम लोकेशन पर होते। मिस सिन्हा, जीपीएस ऑन कीजिए। अभी? जी अभी। गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी नहीं, हम लोग चलेंगे। मिस सिन्हा, गाड़ी से उतरिए और पैदल चलिए। सब मिस सिन्हा, 11 नंबर की बस भी निकल जाएगी, आना है तो आ जाइए। ये आदमी है आफत की पुड़िया।
वैसे मानना पड़ेगा मिस सिन्हा, मुझे लगता है डरने में आपने पीएचडी की है। हर बात में डर जाती हैं आप। आप ठीक तो है ना? ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरे पैर पे भी मोच आप ही की वजह से आई है। मेरी वजह से? हाँ, मैंने क्या किया? एक तो आपसे ठीक से चला नहीं जाता, मेरा क्या कसूर है बताइए? अगर आपने आपके मेल ईगो पर कंट्रोल किया होता और मुझे जीपीएस यूज करने दिया होता तो ना हम रास्ता भटकते और ना मेरे साथ ये सब हो रहा होता। तो ठीक है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना? हाँ। ओके। अभी से, मेरा मतलब है इसी वक्त से, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मुझे भी आपकी जरूरत नहीं है, मरती मर जाऊंगी मैं, लेकिन आपके हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी मुसीबत को अपने गले डाल रहा हूँ मिस सिन्हा। सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद चलकर जाऊं। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो आपके पाँव में मोच आई है और आपको वॉक करना है, अब एक लफ्ज भी और बोला ना तो बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी ख्यालों का शहर, तू जाने तेरे होने से ही आबाद है, हवाएं हक में वही है, आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं, हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं, हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहां, हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहां। ये हम कहां पर आ गए? अभी बताता हूं। आराम से लीजिए, हो गई हमारी मुश्किलें आसान। एक बात बताइए, आपके पास सनग्लासेस हैं? हाँ। कैप है? हाँ, लेकिन आप जितना कहा गया है उतना कीजिए, सनग्लासेस और कैप दीजिए। सर, ये लेडीज, आपके पास लेडीज ही होंगी ना? रात को भी इन्हें स्टाइल मारने का सोच रहा है। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ग्लेयर्स पहन तो लिया, अभी अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे। चलिए, अब दैट्स ओके, मैं चल लूंगी। ओके। हमें दो रूम चाहिए 4 घंटे के लिए। क्या बात है, आप इतना सब कुछ करेंगे कि आपको 4 घंटे लगेंगे? मतलब? अरे सर, यहाँ लोग रूम घंटे के हिसाब से लेते हैं। अपने काम से काम रखो। अरे सर, वही तो कर रहा हूँ, और मेरे पास आज एक ही रूम है, बोलो दे दूँ? हाँ तो दे। No way. एक मिनट, आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? नहीं ना? दे दीजिए। नो कार्ड ओनली कैश, वो भी एडवांस में। और क्या है ना सर, आजकल लोग अपना काम खत्म करके यहाँ से भाग जाते हैं। मिस सिन्हा, आपके पास कुछ पैसे हैं दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। जी। कितने? 3,000। Thank you.
अरे पांडे जी सर, साहब को 101 नंबर कमरा दिखा दो। जी सर, आइए सर। ओ मैडम, अब आपको क्या हुआ? चलिए सर, आप चलिए, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। ओके। भाई साहब, मैं ये अपने रूम में ले जा रही हूँ, इसके पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी। हाँ हाँ, ले जाइए। लड़की दिखने में तो सीधी लग रही थी और है बड़ी चालू। बस यही सही मौका है, रूम में विनायक को दारू पिला के मदहोश कर दूंगी और उससे अपने सारे सवालों के जवाब उगलवा लूंगी। चलो, अब मैं कम से कम पानी तो पी सकता हूँ, कब से प्यास लगी थी। दारू की बोतलें कहाँ से आई? पहले तो नहीं थी। मिस्टीना, ये दारू की बोतल आप लेके आए? नहीं सर, मैं क्यों लाऊंगी, होगी यहीं पे रखी हुई। चलो अच्छा, मिस्टीना की परेशानी भी दूर हो गई, कब से छटपटा रही थी। विंसो जी, मिस्टीना क्या हुआ? विंसो, वॉश मशीन में पानी नहीं आ रहा है। अगर पानी नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? मैं इस लॉज का प्लम्बर हूं क्या? अगर पानी नहीं आ रहा तो आप नल का भी इस्तेमाल कर सकती है ना, ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। सर, इतनी अकल है मुझ में, मगर मेरे हाथ में साबुन लगा हुआ है और नल खुल नहीं रहा है, मेरा हाथ फिसल रहा है। तो आप क्यों नहीं फिस? इस सड़ी हुई लॉज में मुझे लाया कौन है? आप फंस गई मैं। मिस सिन्हा, फंस तो मैं गया हूँ आपकी वजह से। मुझे ही जाना पड़ेगा। अब आप आ ही गए हैं तो प्लीज मेरी मदद भी कर दीजिए। अब आप पहलवानी करना बंद करेंगी तभी तो मैं आपकी मदद करूंगा। हंस कह रही है, कर रहा हूं ना। खुलेगा देखो। हाथों में मेरे साबुन लगा है और आप है कि जरा सा जोर लगाकर नल नहीं खोल सकते। ये खराब है, जाम हो गया है। वो आप वहां से भी तो हाथ धो सकती है ना। एक मिनट। शावर क्यों ऑन कर दिया? अरे बंद तो कीजिए इसे। चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमिया तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगा।
कभी तुझे मैं उतरूं तो सांसों से गुजरूं तो आए। मैंने आपका सहारा लेने के लिए आपको पकड़ा और आप खुद ही गिर गए। ठिकाना बना मुझे को पाना है तुझ में, दे इजाजत ना कोई दरमियां, हम दोनों है यहाँ फिर क्यों है तू बता फासले। आप भी ना बहुत गिरी हुई है। मतलब ये कि आपको बहुत मजा आता है ना गिरने में। पहले तो आपने मुझे गिरा दिया और उसके बाद खुद मेरे ऊपर गिर गई। मेंढकी को भी जुखाम। जो कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कहा कुछ कहा? लगता है मुझे ठंड लग गई है। मिस सिन्हा, आप भी अपने कपड़े सुखाने के लिए रख दीजिए। मतलब? मैंने कहा था ना, लग गई ना आपको सर्दी। क्या कर रहे हैं? मुझे कोई शौक नहीं आपके पास आने का। नीचे पानी था, पांव फिसल गया। आपको ठंड लग रही थी इसलिए पर्दा बना है। आप अपने कपड़े उतार के सुखा लीजिए और तब तक ये चादर का इस्तेमाल कर लीजिए। आप चेंज कर लीजिए, मैं मुड़ के नहीं देखूंगा। पक्का ना?
पप्पा शपथ।